Christmas tree. Been wondering just what you mean to me. Oh, Christmas tree. Still drive me crazy. Tradition we celebrate. गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, कैसे हालचाल हैं आपके? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। और आज है डे वन हमारे व्लॉग मैस का। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं करने के लिए। पता नहीं ये मुश्किल होने वाला है, मुझे लगता है, क्योंकि रोज़ वीडियो बनानी पड़ेगी, रोज़ एडिट करनी पड़ेगी, पर हम कोशिश करेंगे। और इसके लिए मुझे आपके साथ की ज़रूरत है। मेरे वीडियोज़ को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बहुत सारा प्यार दें, जो कि आप ऑलरेडी देते हैं, पर और प्यार दें। सो दिन की शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है, 10:30 हुए हैं, मैंने नहा लिया है, रेडी हूँ मैं, पर मैंने अच्छे ग्लैमरस कपड़े नहीं पहने हैं। लाइक ग्लैमरस कपड़े नहीं पहनती हूँ मैं, नॉर्मली पहनती हूँ, पर फिर भी थोड़ा सा ड्रेसअप हो जाओ तो ऐसे लगता है कि आप एक्टिव हैं, कॉन्फिडेंट हैं और ज़्यादा काम करते हैं, मुझे ऐसे लगता है, मेरे साथ ऐसा होता है। और यहाँ पे मैं इसको एक्सक्यूज़ करें, मैं अपना एक सूट सिल रही हूँ जो मैं पेंट करने वाली हूँ। ऑलमोस्ट हो चुका है पर सिंपल सा है और बहुत ज़्यादा खुश नहीं हूँ मैं इससे, पर कोई बात नहीं, हम इसे अच्छा पेंट करेंगे। इसमें 2-4 चीज़ें मुझे फ़िक्स करनी है, वो फ़िक्स करने के बाद सिलाई मशीन को ऊपर रख दूँगी मैं और इसको पेंट करना शुरू करेंगे। सो या ये करूँगी, पर अब हिम्मत की ब्रेक हुई है पहली, उसको कुछ खाने के लिए मुझे देना है, देन हम हमारे काम से कंटिन्यू करेंगे। आज हमारी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट थी सबसे पहले, बट फिर लॉकडाउन की वजह से उन्होंने वो कैंसिल कर दी है। लॉकडाउन हो गया है दोबारा ब्रैम्पटन में, ब्रैम्पटन में थी अपॉइंटमेंट, सो हम वहाँ पर नहीं जाने वाले हैं, इसीलिए मैं जल्दी रेडी होगी आज, अदरवाइज़ मुझे काफ़ी समय लग जाता है। पर हिम्मत का स्कूल चल रहा है तो मेरी कोशिश होती है कि मैं बिल्कुल सुबह ही रेडी हो जाऊँ, क्योंकि जितना जल्दी मैं तैयार हो जाती हूँ उतना ही मैं ज़्यादा प्रोडक्टिव फील करती हूँ, उतना ही ज़्यादा मैं काम करती हूँ। कैन यू कम एंड से हाई टू एवरीबॉडी एंड गेट द टेबल? हाय गाइस, इट्स क्रिसमस टाइम, वी विल मेक व्लॉगमास। ओके गाइस, बाय बाय। ओके दोस्तों, तो आज व्लॉगमस का पहला दिन है तो हमें क्रिसमस ट्री भी लगाना है। इस बार हम क्रिसमस ट्री लगाने में लेट हो गए क्योंकि थोड़ा लेजी थी मैं, पर आज कोशिश है कि आज ही लग जाएगा और हिम्मत मेरी हेल्प करेगा उसको सजाने के लिए। और मुझे नहीं लगता कि मुझे नए से ऑर्नामेंट्स लेने की ज़रूरत है, क्योंकि इस बार हमारे पास बहुत सारे पुराने पड़े हुए हैं तो उन्हीं को यूज़ किया जाएगा। सो यस, यू लाइक इट? गाइस, हमें मिला है ये बंदा जो मेरे कपड़े पहन के चिड़ियों का फूड डालने के लिए गए हैं, वो इसलिए क्योंकि वो बेचारी इधर उधर घूम रही है। ही इज़ अ गुड गाय, राइट मिमी? ही इज़ अ रियली गुड गुड गाय। वी आर सो प्राउड ऑफ यू डैडी।
Here you go, sweetie. What you say? Thank you. And what you give me? Oh, your heart? Thank you. Love you. Love you so much. Give your heart to me. Okay, I'm giving you my heart. Oh, heart lunch chala gaya. Take heart later. Go eat. And why you made that mess? I just wanted to eat. Oh man. Okay. So it's time for me to eat something and खाना चाहती भी हूँ और नहीं भी. आजकल मुझे जब भूख लगती है तो मुझे बॉयल एग का सैंडविच खाना बहुत अच्छा लगता है. पहले मैं सोच रही थी वो खा लूँ पर वो बहुत ज़्यादा स्टफिंग फील होता है मुझे. लाइक दो एग बॉयल करके मैं उसमें लेटस एंड टमेटो डाल के खा लेती हूँ पर इतनी भूख नहीं है अभी. क्या किया जाए. सोच रही हूँ कि मीमी का मील चोरी करके खा लूँ. कैन आई स्टील योर मील एंड ईट? No, I don't wanna eat. You eat it. Can you go and finish your meal quickly? Okay, दोस्तों तो बनाना खा लेती हूँ. And we gonna give Mimi some juicy. मुझे हिम्मत को जूस इस बॉटल में देना इसलिए अच्छा लगता है कि इसमें स्पिल नहीं होता और ग्लास बॉटल मुझे प्लास्टिक से ज़्यादा अच्छी लगती है और हिम्मत को भी ये बॉटल काफ़ी अच्छी लगती है. थैंक यू. Okay. It's okay. Thank you. All right. So I'm gonna eat this healthy yellow banana. और हिम्मत को बनाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. All right. So I'm gonna quickly finish this work. ओके सो जो भी मुझे मशीन के साथ करना था वो मैंने कर लिया है और मेरे पास कुछ इस तरह का सूट जैसे मैं सिंपल सा सिलना चाहती थी वैसा अवेलेबल है. अब क्या करेंगे. अब जो भी इसकी फिनिशिंग है वो करूँगी मैं. लाइक तरपाई या लेडी बोलते हम लोग वो करूँगी सारे कॉर्नर्स में गले पे एंड बैक गले पे एंड आर्म्स पे. उसके बाद हम ड्रॉ करेंगे एंड देन पेंट करना शुरू करेंगे. ड्रॉ के लिए मैं क्या करती हूँ कि फ्री हैंड पेंटिंग करेंगे. मैं कोई छापा नहीं बनाने वाली हूँ. सिर्फ पेंसिल से रफली बना लूँगी कि यहाँ पे मुझे फूल चाहिए लीव्स चाहिए ऐसे ऐसे. देन उसको पेंट करके लेटर हम उसको एक अच्छा रूप देंगे. स्टार्ट करते हैं. कोशिश तो यही है. देखते हैं कि कौन सा डिज़ाइन बनाएं. अब वैसे तो मैं सिंपल फ्लावर्स बनाने वाली हूँ. बहुत साल पहले मैंने बहुत सारे सूट पेंट किए. लाइक 15-20 किए होंगे. अपने दोस्तों के रिश्तेदारों के बहुत सारे लोगों के पेंट किए हैं मैंने. 15-20 से ज़्यादा किए होंगे. लाइक 50 सूट्स पेंट किए होंगे मैंने कम से कम. तो तब मैंने अपना वाइट सूट पेंट किया था. वाइट सूट मुझे लगता है कि मैंने मेरा 2-3 बार खुद का पेंट किया है और मैंने उस पर पिंक से फ्लावर्स बनाए थे रोज़ेस और वो बहुत अच्छे लगे थे. और उसके बाद मैंने मेरे वाइट को येलो एंड ऑरेंज किस्म का बनाया. वो मुझे इतना अट्रैक्टिव नहीं लगा. तीसरी बार फिर जब मैंने पेंट किया मेरे सूट को तो मैंने पिंक ही बनाए थे. तो इस बार भी हम पिंक के साथ ही प्ले करेंगे क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है कि वाइट पर बहुत ज़्यादा खिल के आते हैं.
लाइक ये ऑफ वाइट है, तो वैसे ही करेंगे, पहले तरपाई फिनिश करते हैं। तो इस जगह को क्लीन करूँगी आज। मेरे हस्बैंड भी घर जल्दी आने वाले हैं, उनका कोई स्पेशल काम है तो उसके लिए उनको जल्दी आना है, और उसके बाद मुझे सर्विस कैनेडा जाना है बहुत इंपॉर्टेंट काम करने के लिए। एंड उससे पहले मैं चाहती हूँ कि मेरे ऐसे आलतू फालतू चीज़ें फिनिश हो जाएँ ताकि मैं जा पाऊँ बाहर। Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch। और मशीन को ऐसी जगह पहुंचा दें जहाँ पे आपके बच्चों से दूर रहे, उसको छुपा दें किसी गहरी नेरे वाली जगह पे। मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा डर लगता है जब मैं सिलाई का काम करती हूँ, उनको फोबिया है कि कहाँ पे मैं सुई या कुछ ऐसी शार्प चीज़ गिरा ना दूँ। सो हम यहाँ से सारी चीज़ें समेट लेंगे जिसकी ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली है और थक गई हूँ मैं, और चाय पीते हैं। चंगा भी दोस्तों, चाह बनावांगे। मैनु लगता है कि इस व्लॉग में चे तो ही चाह वेख वेख के अक जाना, नहीं सर ना भी अको क्योंकि इन्नी चाह भी नहीं पीनी मैं, दो बार पीनी है। सवेर वाली चाह तो मैं दिखाती नहीं है, मैंने पानी फिल करना पड़ेगा उसमें। हस्बैंड आ चुके हैं मुझे लगता है, हिम्मत बोल रहा है, एंड मैं जा रही हूँ मेरा काम करने के लिए। हस्बैंड को कहेंगे कि वो घर पे ही रह लें क्योंकि अगर वो आएंगे तो हिम्मत को भी लेके आना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे नहीं ज़रूरत नहीं फील हो रही। सो यस, गुड मॉर्निंग डैडी, गुड मॉर्निंग डैडी। व्हेन हस्बैंड कम बैक आई फील सो हैप्पी, it's like watching him after years। let's go guys, let's check on him। everybody, here's my daddy, he come in lunch bike। then can they make VIP day to me? good morning daddy, good morning। are you here? nahi to hi karna, huh? ओके दोस्तों, तो जा रही हूँ मैं, और आज ठंडे बाहर और सर्विस कैनेडा के बाहर खड़े होना पड़ता है क्योंकि वो अंदर उतने ही बंदे को लेके जाते हैं जिनों की जरूरत है, आई थिंक 4 को लेके जाते हैं, और ठंड में खड़े होना पड़ेगा मुझे अगर बिजी हुआ तो। फिंगर्स क्रॉस करके जाते हैं कि ठंड से ना खड़ना पड़े, पर मैंने इंतजाम कर लिया है, ग्लव्स ले लिए हैं, पर मुझे मेरी हैट नहीं मिली है, पर ये मैंने मफलर ले लिया और स्कार्फ ले लिया है। ओके दोस्तों, तो मैं डन हूँ मेरे काम से, अब मैं लेने वाली हूँ डोनट्स एक दो हिम्मत के लिए एंड मेरे लिए, और बहुत भूख लग रही है मुझे, और घर जाके कुछ खाऊंगी मैं। पर यार ये टिम हॉर्टन्स इसलिए ले रही हूँ क्योंकि ये बिल्कुल ओदे नाले, अगर यहाँ पे सूप मिलेगा तो वो भी ले लूंगी मैं। हाय, डू यू गाइस हैव हार्वेस्ट वेजिटेबल सूप? नो, आई हैव अ डॉग सूप। नो, ओके, कैन आई गेट अ डोनट देन? बॉस्टन क्रीम and a sprinkle vanilla dip? Vanilla dip, okay. And do you guys have jalapeno bagel? Yeah, we do. Can you give me that toasted with butter? Okay. Can you add lettuce and tomato in there? Okay. And tiny bit chipotle sauce, just a little bit. Okay. Thank you, that's it. Nannu si chipotle sauce liya. एक्चुअली बेगल लेने का कोई प्लान नहीं था, पर फिर मैं सोचा यार खा लेने यार डिगड़ी गल आ, सो इसलिए ले ली। डोनट एक मेरा एक मिमी का, वी आर बेस्ट फ्रेंड्स गाइस। यार मास्क ही नहीं आया ना, मास्क पहन लिया भाई। When the night's not controlling you, so you get up and you leave, but I don't wanna see what you are. Morning, Anna. पहला मास्क पाया नहीं ही, मैडम मास्क पहन रही है। But जब जागो तभी सवेरा। What do you guys say? बाकी तो नूको चाहिए खास, तो दिल्ली अमाम दस्ता ले आवा। नहीं, कुछ भी याद आऊँगा दस दे, okay? और यार सब बहुत ज़्यादा भूख लगी थी मुझे,
जो बेगल लेके आई थी वो खाया है हम दोनों ने, और अब मैं जा रही हूँ इंडियन ग्रोसरी शॉप पे। वो क्यों? क्योंकि डोसा खाने के लिए मन है और इतना समय नहीं है कि बटर बनाऊँ, और मैं देखूंगी कि अगर इस हमारे जो पास में इंडियन स्टोर है वहाँ से मुझे डोसे का बैटर मिल जाए तो वो लूंगी, और सांभर में डालने के लिए कुछ इंग्रीडियंट। सो या वही लेने जा रही हूँ, और शायद मैं शॉपर्स ड्रग मार्ट भी जाऊंगी। तो मैं जाने वाली हूँ शॉपर्स ड्रग मार्ट, क्योंकि यहाँ से मुझे चाहिए डाइपर रैश क्रीम, क्योंकि जब आप अपनी स्किन को पोक करते हो तो उससे क्या होता है, हील हो जाती है स्किन। आपको घर जाके बताऊंगी मैं डिटेल। ओके, जो मुझे चाहिए वो है ये सूडो क्रीम, पर इसका एक छोटा पैक आता है जो मेरे लिए मोर देन इनफ होगा साया कई सालों के लिए। एनी वड्डी नहीं मैं लेने वाली हूँ, सो यहाँ पे नहीं है। सो ट्रिप होता है कैंसिल, क्या हम घर जाएंगे? नहीं, हम मेकअप की तरफ चाती मारेंगे। ओके, मेकअप चाती मारने से ज़्यादा ज़रूरी है बुक्स पे चाती मारना, क्योंकि वो भी मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। एक्चुअली जो ये बराक ओबामा की नई बुक आई है ये लेनी है मुझे, पर 25% ऑफ है इस पर, और ये अमेजोन पे मुझे लगता है ज़्यादा सस्ती है आजकल, 55 दिया है 25% ऑफ। सो आई एम गोना बाय दिस फ्रॉम अमेजोन। मेकअप को देखना इसलिए ज़रूरी है ताकि पता चले कि कौन सी चीज़ कितने प्राइस में मिल रही है, क्या कोई डील है जो हमसे छुपी हुई है। सो ये सारी नॉलेज रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई दोस्तों के लिए ये नॉलेज फालतू होगी, पर मेकअप लवर्स के लिए नहीं। सो यहाँ पर मिलानी का मेकअप भी मिल रहा था और नेक्स्ट भी, तो जो हमें चाहिए नहीं मिला है। सो अब हम जाएंगे, अगर आप मेरा खूबसूरत चेहरा देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं, पर बाहर पब्लिक में व्लॉग करना इतना आसान काम नहीं है। ओके दोस्तों, तो मैं घर आ चुकी हूँ और मुझे मिल गया है डोसा बैटर। एक्चुअली मुझे बाहर दिखा नहीं कहीं पे भी, तो मैंने उस गर्ल को कहा कि मुझे डोसा बैटर चाहिए, एंड उन्होंने मुझे ला के दिया डब्बा, कोई बहुत सदियाँ पुराना मैला जहाँ डब्बा। उस पर मैंने डेट चेक की तो उस पर लिखा हुआ था कि वो ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका था, तब मैंने उनको कहा कि ये तो ऑलरेडी एक्सपायर है। देन शी गेव मी न्यू डब्बा, एंड दिस डब्बा गोना बी एक्सपायर इन फ्यू डेज, सो मैं आई विल शो यू डब्बा। ये है वो चमकदार डब्बा चेन्नई कैटर्स। इसमें अच्छा अमाउंट बैटर है, मुझे लगता है हम 2 या 3 मील बन जाएंगे हमारे। वैसे तो आप घर पर बना सकते हैं, मैंने पास में बनाया भी है, पर बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग काम है ये, सो इतना टाइम नहीं है दोस्तों। सांभर वैसे मेरे पास फ्रीजर में पड़ा भी है, पर मैं फ्रेश सांभर बनाने वाली हूँ। मुझे लगता है कि पास में मैंने सांभर की रेसिपी आपके साथ जरूर से शेयर की होगी, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। पर आज मैं सांभर में डालने के लिए डंडे लेके आई हूँ, मोरिंगा स्टिक्स लेके आई हूँ मैं, ड्रम स्टिक्स, ये हम डालेंगे सांभर में। इसके साथ आप डांडिया भी खेलेंगे। आपको बचपन में डांडिया खेलने का शौक हुआ करता था? कुछ भी पकड़ के हम खेलते थे, जब दूसरा बंदा नहीं हो तो हम दीवारों के साथ खेलते थे। क्या आप भी ऐसे करते थे? बता रहा हूँ, मुझे बहुत सारा डांडिया खेलना बढ़िया लगता है बचपन से। In December, we give our gifts, wishing well to our world, peace on earth to everyone, a time to be joyful when all is calm and all is bright, but why does it change with the seasons, and why can't we just hold on? ऑलमोस्ट पूरा होने वाला है, पर मैं थक गई हूँ क्योंकि ये दोनों हेल्प नहीं कर रहे। हस्बैंड ने थोड़ी सी हेल्प की वैसे,
एवं झूठ बोलना। हिम्मत पहले इतना एक्साइटेड था कि हेल्प करूँगा ये करूँगा पर कर नहीं रहा। सो मैं टीवी देखने वाली हूँ एंड टेबल पर बैठ के आराम से करूँगी। वैसे मैं इस बार बहुत ज़्यादा ऑर्नामेंट्स नहीं लगाने वाली हूँ, फ्रंट से मैं काइंड ऑफ ओके हूँ, लाइट ही रखेंगे, बैक साइड पे लगाना है। डन बी एंड Christmas tree, been wondering just what you mean to me. Oh, Christmas tree, it's never been much about you. दोस्तों तो इसी तरह हमारा दिन कंप्लीट हो जाता है। जिस दिन बंदा व्लॉगर बनना डिसाइड कर लेता उस दिन पर्सनल स्पेस खत्म, नो पर्सनल लाइफ। ओके दोस्तों तो इसी तरह हमारे व्लॉगमस का पहला दिन कंप्लीट होता है। हमने डोसा खा लिया है, मैंने सिर्फ दो खाए हैं पतले पतले और हस्बैंड ने सिर्फ टॉनिक, दैट्स इट। कितने? 20। चोर बोलना नहीं है। बोल दिया मैंने 12 खाए। ओके मजाक कर रही हूँ। ओके दोस्तों तो आई होप आपने ये व्लॉग को एंजॉय किया होगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं और आपने ये वीडियो पहली बार देखी है तो मुझे लगता है कि आपको मैं बहुत ज्यादा अच्छी लगी होंगी। अगर नहीं लगी ये अपने मुंह मिया मिठू बनती रहती है। अगर आपको मैं अच्छा लगता हूँ तो आप सब्सक्राइब करिए। ओके दोस्तों करिए करिए, क्यों नहीं करना चाहिए, करिए। ओके दोस्तों सो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं मुझे उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा और मेरी प्यारी सी फैमिली भी आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल को क्लिक कर लेना ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस को आप मिस नहीं करें। मुझे मेरे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं और हम मिलेंगे कल नए व्लॉग के साथ। इसी तरह हम रोज मिलने वाले हैं कुछ समय तक। सो दैट्स इट, आई लव यू गाइस सो मच, अपना ख्याल रखें। लेमन कैंडी।
5 कैंडी दांगे बोल दे। Oh, I got it, I got it. And goodbye, guys. See you tomorrow, guys. Bye. Merry Christmas, everybody. Soon it will be Christmas tomorrow. I'm trying to have his birthday. Your birthday passed. Wait. Did you birthday? Don't forget to subscribe and hit the bell right here. Right here. And like. Right here. No. The like. Right here. Hey, Daddy. Right here. Daddy. And subscribe my mom's channel because she works so hard and she never relaxes. And guys, the thumbs up button is just here. And the like button is here. And tell them follow Daddy Instagram. And choose both. And there's two of them. Choose them or you will miss them. And tell them that follow Daddy Instagram. Stop. I'm not following you off your stupid Instagram. Okay. No, tell them. Please tell them. No. You're not cutting Instagram. You got a stupid Instagram. You're not a stupid Instagram. What's stupid, Mia? Mimi. It's not stupid. Because you don't even have one. You don't even have my Instagram. My Instagram. Hima TV, okay? And Daddy's too. And Daddy forgot the mama because it's too boring. I tell you, the bell button is here. Here is the bell button. Here is the bell. He's ringing now. He's ringing. Don't hit bell button like this. This bell button is very dangerous. Okay, so see you tomorrow. Bye. Is it hot? So why you say my Instagram is stupid? Because you're stupid. You don't have it. You don't have one. Road trip.